टोटली अमेजोन वेब सर्विसेज समिट इंडिया लॉन्च कर दिया गया है, जो कि 25 मई को होने वाला है। अमेजोन वेब समिट में आप लोगों को बहुत सारे फायदे मिलते हैं। बेसिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं समिट के लिए। यहाँ पे बहुत सारी लर्निंग करने का आप लोगों को मिलता है, फ्री ट्रेनिंग्स आप लोगों को मिलती हैं, अलग अलग ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस सेशंस आप लोग अटेंड कर पाते हो, साथ ही साथ आप लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेंस भी मिलता है, जो कि एज प्रूफ होता है कि आप लोगों ने इतना बड़ा वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज समिट अटेंड किया था, जो कि एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोग अटेंड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इस चीज का लिंक मिल जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, एक लाइक जरूर कर देना, अपने उन सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना जिनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। अगर हम बात करें अमेज़न वेब सर्विसेज के इस समिट इंडिया के बारे में, और ये आप लोगों के लिए 25 मई और 26 मई को लाइव होने वाला है। सुबह 9:30 बजे से लेकर 5:00 बजे तक अलग अलग सेशंस होने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डाटा, क्लाउड कंप्यूटिंग और भी बहुत सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे आप लोग नॉलेज ले पाओगे, वो भी AWS के एक्सपर्ट से। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पे 2 keynotes होंगे आप लोगों के लिए, 150+ टेक्निकल सेशंस होने वाले हैं आप लोगों के लिए। सबसे अच्छी बात है आप लोगों के लिए लाइव क्वेश्चन एंड आंसर होगा आप लोगों के लिए AWS एक्सपर्ट से, आप लोग डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेंस भी आप लोगों को मिलेगा इस सेशन में। सेशन के सारी डिटेल के बारे में क्या क्या आप लोगों को सिखाया जाएगा उसका लिंक मैंने बताया आपको, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग अटेंड करते हो तो एक फ्री ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस आप लोगों के लिए, जहाँ पे क्लाउड कम्युनिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग कम्युनिटी आप लोगों को एक साथ मिलने वाली है, जो कि उनके साथ मिलकर आप लोग नई नई टॉप ट्रेंडिंग स्किल्स सीख सकते हो। अगर हम बात करें इस सेशन में आप लोगों को क्या क्या सिखाया जाएगा और किसके लिए ये सेशन है, तो अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हो इस टाइम पे क्लाउड फील्ड में, आप लोग जाना चाहते हो, नॉलेज लेना चाहते हो, आप लोग इनरोल कर सकते हो, या फिर आप एक्सपीरियंस यूजर हो, या फिर आप अपना बिजनेस चला रहे हो क्लाउड की फील्ड में, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे बिजनेसेस कन्वर्ट हो रहे हैं, क्लाउड का यूज कर रहे हैं धीरे धीरे, उनको पता चल रहे हैं क्लाउड के बेनिफिट्स, तो आप लोग भी जान सकते हो। आने वाले टाइम में बहुत सारी जॉब्स भी निकलने वाली है इस फील्ड में, तो अगर आप लोग को इस चीज की पहले से नॉलेज होगी तो आप लोगों को वहां पे फायदा मिल सकता है उस चीज का। यहाँ पे इवेंट हाइलाइट्स आप लोगों के लिए है, जैसे 2 keynotes मैंने आप लोगों को बताया, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेटिव, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा, इनसे रिलेटेड आप लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेशन होने वाले हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंशियल जोन है, जहाँ पे आप लोगों को ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन पे कुछ वाउचर्स वगैरह बता दिए जाते हैं, अलग अलग बेनिफिट्स बताए जाते हैं, आस्कने एक्सपर्ट सेशन भी आप लोगों के बीच बीच में होंगे। अगर हम बात करें कौन कौन से टॉपिक्स पे आप लोगों के लिए सेशन होने वाले हैं, पर्टिकुलरली यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, बिग डाटा एंड एनालिटिक्स, कंप्यूट एनीवेयर, इंडस्ट्री सॉल्यूशन, अलग अलग इंडस्ट्रीज के सॉल्यूशन बताए जाएंगे, AWS कैसे बेनिफिशियल हो सकता है वहां पे, क्लाउड सिक्योरिटी रिलेटेड यहाँ पे सेशन होने वाले, डाटाबेस एंड स्टोरेज से रिलेटेड होने वाले हैं, और SAAS ऑन AWS से रिलेटेड भी यहाँ पे सेशन होने वाले हैं। यहाँ पे एजेंडा देख सकते हो, डेट वाइज यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कौन सी डेट को आप लोगों के लिए कौन कौन से सेशन होंगे, लेवल भी लिखे गए हैं। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल हो, बेसिक नॉलेज हो आप लोगों को, तो ये सेशन आप लोगों के लिए, अगर आप एडवांस लेवल की चीजें सीखना चाहते हो तो ये वाला सेशन आप लोग अटेंड कर सकते हो मशीन लर्निंग का। इसके अलावा नीचे स्क्रॉल करोगे तो बिग डाटा में भी आप लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेशंस है, लेवल वाइज यहां पे सेशंस आप लोगों को दिए गए हैं डेट वाइज। यहां पे 26 मई आप लोग सेलेक्ट करोगे तो अलग अलग हैं, जैसे फाइनेंशियल सर्विस के बारे में जानना चाहते हो, ऑटोमेटिक सिस्टम के बारे में जानना चाहते हो, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जानना चाहते हो, तो आप लोग यहां पे अपनी मनपसंदीदा यहां पे सेशंस अटेंड कर सकते हो, क्योंकि 150+ टेक्निकल सेशन आप लोगों के लिए होने वाले हैं इन ऑनलाइन सबमिट इंडिया में। 2 दिन में आप लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेशन है। बट अगर बात करें कितने सेशन आप लोगों को मिनिमम अटेंड करने होंगे, तो मिनिमम आप लोगों को यहाँ पे करीब 5 सेशन अटेंड करने होंगे अगर आप लोगों को सर्टिफिकेट चाहिए तो। हाउ डू आई गेट टू सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेंस, यहाँ पे कोई भी बच्चा ओनली 5 सेशन अटेंड करता है तो उसको सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेंस मिल जाता है इस ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का। जो कंटेंट है वो इंग्लिश लैंग्वेज में आप लोगों के लिए होने वाला है, कंप्लीटली फ्री है, आप लोगों से कोई पैसा किसी भी स्टेज पे नहीं लिया जाएगा। किसको इनरोल करना चाहिए, तो मैंने बताया आप लोग अगर AWS की फील्ड में, क्लाउड की फील्ड में न्यू यूजर भी हो तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो इस चीज के लिए, बट रजिस्टर आप लोग को आज ही करना होगा। बाकी यहाँ पे ये चीजें टेक्निकल लीडर, डाटा साइंटिस्ट, डेवलपर्स, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल ये सेशंस होने वाले हैं। तो इस तरीके से आप लोग ये सारी डिटेल पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं अगर आप लोग रजिस्टर करना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा। जैसे आप लोगों को रजिस्टर नाउ का बटन मिल जाएगा कहीं पे भी, उस पर क्लिक करिएगा तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप लोग को फिल करना होगा। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बेसिस पे आप लोग को सर्टिफिकेट मिलेगा। जो ईमेल आईडी आप लोग यहाँ पे एंट्री करोगे उसी ईमेल आईडी में आप लोग को सर्टिफिकेट मिलेगा। सबसे पहले फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है, कंट्री बतानी है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम है तो आप लोग कंट्री वगैरह ध्यान से फिल करिएगा।
उसके बाद आप लोगों को अपने बारे में कुछ डिटेल देनी है, जैसे आप बिजनेस एज अ बिजनेस रजिस्टर कर रहे हो या फिर एज अ इंडिविजुअल पर्सनल स्टूडेंट रजिस्टर कर रहे हो। जॉब टाइटल अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, उस चीज में भी ऑप्शन आ जाएगा आप लोगों के सामने। कंपनी नेम में अगर आप स्टूडेंट हो तो अपने कॉलेज का नाम भी दे सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं है, या फिर कंपनी का नाम भी दे सकते हो। इंडस्ट्री में आप लोग जिस भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, कंपनी टाइप में आप लोग की जो भी कॉलेज है या फिर कंपनी है जिस भी टाइप में बिलोंग करती है, कंपनी साइज में कुछ भी एंटर कर सकते हो आप लोग। AWS के बारे में आप लोगों को कितनी नॉलेज है ये बताना है आप लोगों को। यूज केसेस किसके बारे में आप लोग नॉलेज लेना चाहते हो, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे रिसीव इन्फॉर्मेशन है AWS फ्री डिजिटल ट्रेनिंग। AWS की तरफ से आप लोगों को कुछ फ्री डिजिटल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है, वो भी आप लोग टाइम टू टाइम चेकआउट कर सकते हो। AWS का ऑफिशियल पेज पर जाओगे तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक्सप्लोर डिजिटल ट्रेनिंग का ऑप्शन है, इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ डिजिटल ट्रेनिंग आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों के लिए AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर इसेंशियल है, AWS टेक्निकल इसेंशियल है, डाटा एनालिटिक फंडामेंटल्स है, तो इनमें से आप कोई भी ट्रेनिंग क्लिक करोगे तो फ्री में आप लोग ये सारी नॉलेज ले सकते हो, क्योंकि ये फ्री ट्रेनिंग है आप लोगों के लिए। AWS डिजिटल ट्रेनिंग फ्री कोर्सेज हैं आप लोगों के लिए, उसके बाद रजिस्टर कर लीजिएगा। ईमेल आईडी और पासवर्ड ये चीजें आप लोग थोड़ा ध्यान से फिल करिएगा। कनेक्टिंग विद AWS की कुछ डिटेल्स हैं, अगर आप लोग इस टाइप की और भी प्रोग्राम्स में रजिस्टर करना चाहते हो यस कर दीजिएगा और रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। रजिस्टर नाउ पे जैसे आप लोग क्लिक करते हो यहाँ पे लिखा आता है आपकी मेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन मेल जाता है, वो मेल आप लोग को चेक करनी है। इस टाइप से वेरिफिकेशन मेल आता है, वेरीफाई अकाउंट पे आप लोग को क्लिक कर देना है। वेरीफाई अकाउंट पे जैसे ही क्लिक करते हो आप लोग के सामने ये वेरीफाई का ऑप्शन आ जाता है। वेरीफाई का ऑप्शन आ चुका है आप लोग के सामने, यहाँ पे वेरीफाई के ऑप्शन के बाद आप लोग को रजिस्ट्रेशन कंप्लीट का ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पे आप लोग को रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है इस प्रोग्राम के लिए, आप लोग देख सकते हो आप लोग की रजिस्ट्रेशन लिखा आ चुका है, यू हैव कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन। अब जो आप लोग इस तरीके से रजिस्टर कर सकते हो, 25th और 26th मई को आप लोगों को यहाँ पे इन सेशंस को अटेंड करना है। आप लोगों को जो सर्टिफिकेट होगा वो विद इन 2 वीक्स के बाद आप लोगों को आपका सर्टिफिकेट आपकी मेल आईडी पर ही रिसीव हो जाएगा, इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को रिसीव नहीं होगा। तो इस तरीके से आप